सस्पेंसफुल है। सस्पेंस सिर्फ एनसीपी के बॉस पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर भी अंदरूनी कलह की खबर आ रही है। अभी तीन पार्टियों की तिकड़ी बने चंद घंटे हुए हैं लेकिन खटपट की खबरें आने लगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार गुट ने मंत्रिमंडल में मलाईदार मंत्रालय की मांग कर दी है। कुछ मंत्रालय तो ऐसे हैं जो शिंदे गुट के पास है, तो क्या महाराष्ट्र में ये कहावत सही बैठेगी? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अभी जुमा जुमा चंद घंटे गुजरे नहीं, अजीत पवार ने अपनी पसंद के मंत्रालय की लिस्ट थमा दी। इधर अजीत पवार की डिमांड आई, उधर महायुद्ध के अंदर खटपट की खबरें। दरअसल अजीत पवार डिप्टी सीएम के साथ साथ बड़े बड़े मंत्रालय चाहते हैं। कौन कौन से मंत्रालय? नंबर एक मंत्रालय है फाइनेंस और प्लानिंग। अभी वित्त मंत्रालय और प्लानिंग मंत्रालय यानी नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस, यानी ये मंत्रालय फडणवीस के पास से अजीत पवार के पास जा सकता है। नंबर दो मंत्रालय है सहकारी। अभी सहकारी मंत्रालय भी बीजेपी के पास है और मंत्री हैं अतुल सावे, यानी ये मंत्रालय भी बीजेपी से अजीत पवार को मिल सकता है। नंबर तीन मंत्रालय है ऊर्जा। ये मंत्रालय भी बीजेपी के पास है, मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, मतलब बीजेपी के पास से ही मंत्रालय जा सकता है। चौथा मंत्रालय है सिंचाई। अभी बीजेपी के पास ही है, इसके भी मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मतलब बीजेपी के पास से मंत्रालय जा सकता है। नंबर पाँच मंत्रालय उच्च शिक्षा, ये भी बीजेपी के पास है और मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, मतलब बीजेपी के पास से मंत्रालय जा सकता है। यानी अजीत पवार की एंट्री से अभी बड़ी कुर्बानी बीजेपी दे रही है। अगर बात शिंदे गुट की करें तो हम मंत्रालय में हिस्सेदारी को लेकर, शिंदे गुट बीते एक साल से बात जो रहा है लेकिन चट अजीत पवार आए और पट सरकार के अहम मंत्रालय पर दावा ठोक दिया। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ अजीत पवार मंत्रालय के बंटवारे को लेकर अहम मीटिंग कर चुके हैं। सरकार के अंदर खींचतान शुरू हुई, इस पर बीजेपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री ने क्या दलील पेश की आपको सुनवाते हैं। पोर्टफोलियो अलर्ट नहीं हुआ करके कोई काम रुकेगा नहीं। कुछ पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री जी के पास है, कुछ बाकी मंत्रियों के पास है, कोई डीसीएम साहब के पास है। पोर्टफोलियो चर्चा के बाद, संवाद के बाद वितरित होंगे। जो मंत्री बने हैं वो भी इस बारे में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, और हमारे में आग गगाने का काम कोई आगगावे कर रहे हैं, आग गगाने वाले, पर उनके आग गगाने से कुछ नहीं होता। अब आग गगाने वालों से आग बुझाने वालों की संख्या सरकार में बहुत बड़ी है। अजीत पवार के एंट्री के बाद से ही शिंदे गुट में नाराजगी की खबरें हैं। शिंदे गुट के तमाम एमपी एमएलए और पार्टी पदाधिकारी अंदर खाने मुख्यमंत्री शिंदे से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। दरअसल बीते दिन शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री से ठाणे में मुलाकात की। बड़ी वजह मंत्रालय का बंटवारा रहा। पार्टी के नेताओं का कहना था कि महाअघाड़ी से हटने की एक वजह अजीत पवार थे, तो अब अजीत पवार के साथ कैसे काम करें? शिंदे गुट के विधायकों ने मंत्रालय को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्री को कही। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिंदे ने पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों से फोन पर बात की थी, मतलब ये कि बीजेपी के अब नई चुनौती एक साथ अजीत पवार गुट और शिंदे गुट को लेकर चलना है, क्योंकि तनातनी आने वाले दिन में टकराव की बड़ी वजह बन सकती है। आज तक ब्यूरो।